हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाय प्रभात कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले, जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000, 1989 से 1990, 1992 से 1993, 1951 से 1952। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए, असाहित द्वारा, राम प्रजापत द्वारा, झाझूराम द्वारा, ऑप्शन डी, राम प्रताप द्वारा। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असाहित द्वारा। हंसावली जो रचना है वो असाहित द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, राजस्थान की किस झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए, सांभर झील, ऑप्शन बी, पिछोला झील, ऑप्शन सी, आना सागर झील, ऑप्शन डी, डल झील। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सांभर झील। क्या हो जाएगा? सांभर झील। रामसर अर्धभूमि की सूची में सांभर झील को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ऑप्शन ए कह रहा अगस्त 2010, ऑप्शन बी, नवंबर 2012, ऑप्शन सी, दिसंबर 2013, ऑप्शन डी, जनवरी 2005। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए की ओर जाता है, अगस्त 2010। कह रहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो अगस्त 2010 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो ऑप्शन ए, 2010 में, ऑप्शन बी, 2009 में, ऑप्शन डी, सी, 2008, ऑप्शन डी, 1996। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010 को। जैव विविधता बोर्ड ने राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए, हनुमंतगढ़ झुंझुनू, ऑप्शन बी, अलवर, ऑप्शन सी, जयपुर, ऑप्शन डी, भानुगढ़। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, वर्ष 2011 में कौन से दो जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखा गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि बीकानेर और नागौर, ऑप्शन बी, अलवर और भरतपुर, ऑप्शन सी, जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन डी कह रहा है, भानगढ़ और नागौर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर और नागौर। तो इसका क्या मतलब है कि कह रहा कि 2011 हमारे भारत देश में प्रति 10 वर्ष में
जनगणना कराई जाती है। इस जनगणना में ये देखा जाता है कहाँ पे कितने लोग शिक्षित हैं, किस जिले में कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, कौन सी किस जाति का है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति के पूरे भारत में दो जिले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम परसेंटेज है, वो है बीकानेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तांबड़ा, सोना, चांदी, लोहा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तांबड़ा। जनकपुरा और सावड़ की जो खनिज की खाने हैं हमारी, वो तांबड़ा के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। 1996 में, 1978, सॉरी 1976, 1978 में, 1956 में, 2002 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। इसके साथ साथ अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आप हम लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे PDF के लिए आप हमारे, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी कह रहा है 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त जो हमारा केंद्रीय सूचना सूचना प्रसारण करवाता है, पूरा हेड होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम उम्र उस व्यक्ति की 65 वर्ष होती है। अगर कोई व्यक्ति 63 की उम्र में बना है तो वो 65 तक जाएगा, उसका कार्यकाल बीच में ही 5 साल का पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लोकसभा, विधानसभा परिषद और विधानसभा, तीन चीजें पूछ रहे, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा, इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तीन में से किसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान सभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान परिषद। लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा, इनमें से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 कह रहा है, किन राज्यों में पेसा, पेसा मतलब पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा असम, मेघालय, तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, मेघालय, मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन
ऑप्शन डी असम, मेघालय, सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए असम, मेघालय, तमिलनाडु। असम, मेघालय, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किन राज्यों संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है। किन राज्यों संघ शासित क्षेत्र जो है उसमें केवल लोकसभा की एक सीट है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ऑप्शन बी असम, मेघालय, तमिलनाडु। ऑप्शन सी असम, मेघालय, मणिपुर। ऑप्शन डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोकसभा की केवल हमारी एक सीट है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। जब देश में महाभियोग लागू होता है तब तो उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए कह रहा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन डी वैधानिक प्रक्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। मतलब जब देश में महाभियोग लागू हो जाता है इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो आधा हिस्सा रहते हैं, बाकी आधा पार्ट नहीं रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कह रहा है राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पॉलिटिशियन का क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन बहुत ही राजस्थान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसका राइट क्वेश्चन कह रहा था राजस्थान राज्य ने 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार और ऑप्शन डी 8 बार। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 4 बार, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्ष 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। 1952 का जो परिसीमन था राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 160, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन डी 250, ऑप्शन सी 140। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 160। 1952 में जो परिसीमन लागू हुआ था उसमें राजस्थान विधानसभा के लिए 160 सीटें निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह कौन। कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। ऑप्शन ए राम नाईक, ऑप्शन बी मोहन नाईक, ऑप्शन सी राजा राम राय, ऑप्शन डी मोहन सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राम नाईक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ भी सुमित्रा नंदन पंत थी उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो राजस्थान का पूछ रहा है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ऑप्शन ए DS तिवारी, ऑप्शन बी मोहन लाल शर्मा, ऑप्शन सी घनश्याम तिवारी, ऑप्शन डी आयुष्मान खतनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए की ओर जाता है DS तिवारी, सबसे लंबा कार्यकाल DS तिवारी का रहा राज्यपाल के रूप में।
आप क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जिला आयोजन समिति, प्रत्येक जिले में एक आयोजन समिति बनाई जाती है, ठीक। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं, जो जिला में आयोजन और समिति होती है उसका निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन है 20 और 3, 10 और 4, 30 और 5, 4 और 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति होते हैं? राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो किसके कुलाधिपति होते हैं? ऑप्शन है सभी राज्य के विश्वविद्यालय के, विधानसभा द्वारा चुने सदस्य के, विधान परिषद द्वारा चुने गए सदस्य। ऑप्शन डी, सभी राज्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी राज्य के विद्यालयों के। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, आज 20 क्लास में मेरे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो में क्या कमी है, आपको कैसा चाहिए वीडियो, और आप हमें वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।